क्लास नाइन्थ और टेंथ की सभी विद्यार्थियों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की पार्ट सिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट सिक्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जान लेना ज़रूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि जिस सेंटेंस में हर्ष विषाद सुख दुख आश्चर्य आदि प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि हाउ क्लेवर यू आर, यहाँ वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है और इसे कभी भी इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानने की भूल मत करना, क्योंकि हाउ से अगर वाक्य शुरू हुआ है तो ऐसा मत समझ जाना कि वाक्य इंट्रोगेटिव ही होगा। आगे देख लेना कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। और ये भी एक इसका विस्तार से अगर बताने जाएं तो हाउ के तुरंत बाद देखो विशेषण आया हुआ है। हाउ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हाउ के तुरंत बाद विशेषण एडजेक्टिव आता नहीं है। हाउ के तुरंत बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, तब मेन वर्ब आता है, तब इसके बाद दूसरे वर्ड आते हैं। लेकिन यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हाउ के तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तब जाकर के लास्ट में क्रिया आती है, वर्ब आती है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस प्रकार के अगर सेंटेंस दिए गए हों तो कैसे इसे हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इसके लिए कुछ नियम हैं। इसके नियम निम्नलिखित हैं, इसको ध्यान से। पहला नियम इसका है कि सेट टू अगर आया है तो इसको एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, और वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य का जैसा अर्थ निकले मीनिंग उसके भाव के अनुसार इस सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुल्ली, एंगरली, एक्सक्लेम्ड विद इन फियर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद अप्रिसिएशन जैसे फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। अप्रिसिएशन का अर्थ होता है सराहना करना। थर्ड नियम यह है कि ओ, हुरा, एलॉस, व्हाट, हाउ जैसे शब्दों को हटा देते हैं। कब हटाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसमें ओ, हुरा, एलॉस, व्हाट, हाउ जैसे शब्द अगर आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। फोर्थ नियम यह है कि वेरी, रियली, इंडीड जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों का उपयोग कब करेंगे, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो वाक्य को कंजक्शन दैट से जोड़ोगे। पहले से टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगरली, एक्सक्लेम्ड विद वंडर से करने के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। इसी तरह से अगर सिक्स छठा नियम क्या है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह फुल स्टॉप पूर्ण विराम चिन्ह रखते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क को कब हटाएंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे पूरे वाक्य को, पूरे सेंटेंस को, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को हटा करके उसकी जगह पर पूर्ण विराम का चिन्ह, फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कि सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यहाँ इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ देखो लिखा है कि सी सेड, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है
और सी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, स्पीकर जिसे बोलते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज ए रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। अब यहीं से हम पता करेंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो मींस फ्लावर की यहाँ प्रशंसा किया जा रहा है, तो यहाँ पर सेड को एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, सेड को किस में बदलेंगे, प्रेज, क्योंकि वाक्य के, मैंने कहा वाक्य के भाव के अनुसार, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इस सेंटेंस के भाव के अनुसार, इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है, मीनिंग सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या भाव निकल रहा है, तो फ्लावर की सुंदरता के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, प्रशंसा की जा रही है उसकी, इसीलिए सेड को एक्सक्लेम विद प्रेज, प्रेज माने भी प्रशंसा करना होता है, तो यहाँ पर सेड टू को बदल दिया एक्सक्लेम विद प्रेज में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का उपयोग करोगे। अब देखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसे बदलते हैं तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आ जाता है साधारण वाक्य बना दिए सिंपल सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी से, इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसी सेंटेंस को अपने इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ इट हो जाएगा और इज का वाज हो जाएगा, और यहाँ से आर्टिकल निकाल दोगे, फिर यहाँ लिखोगे वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि वेरी रियली इंडीड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब इसको चेंज करोगे पॉजिटिव सेंटेंस में तो यहाँ पर अधिकता दर्शक वेरी शब्द का उपयोग करोगी, और इज का वाज हुआ है, इट ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। दूसरा ये देख ध्यान से कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज है, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि फूल कितना सुंदर है, तो यह इट जो है ये सब्जेक्ट है, सबसे पहला है सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती इज, तो इज का मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर का वाज वेयर हो जाता है, तो यहाँ वाज हो गया। इसके बाद वेरी शब्द और जोड़ना है, नियम है यहाँ ऊपर जैसा कि बता दिया गया है इसके पहले, इसके बाद ब्यूटीफुल फ्लावर। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, रोहन सेड हाउ स्वीटली रीना सिंग्स, कि हाउ स्वीटली रीना सिंग्स, यहाँ पर अब प्रशंसा की जा रही है, सराहना की जा रही है, इसीलिए सराहना करने के लिए एक्सक्लेम विद अप्रिसिएशन नियम में दिया गया है कि सेट टू को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम विद अप्रिसिएशन सेट को बदलें, रोहन एक्सक्लेम विद अप्रिसिएशन, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का उपयोग किया। अब देखते हैं कि वाओ स्वीटली रीना सिंग्स, यानी रीना सिंग्स वेरी स्वीटली, इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस बन गया कि रीना सिंग्स वेरी स्वीटली, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अब सीधे इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस में बदल दोगे, दैट लगाने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट रीना आया, सिंग का सेकंड रूप क्या होता है सैंग, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलना है सिंपल पास्ट टेंस में, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बना, और इसको चेंज करें किसे सिंपल पास्ट टेंस में, दैट लगाया रीना लिखा और सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, और वेरी शब्द और जोड़ना है अपनी तरफ से, नियमतः स्वीटली यहाँ पर आया है कि अब हो गया रोहन एक्सक्लेम्ड विद अप्रिसिएशन दैट रीना सैंग वेरी स्वीटली। इसके बाद थर्ड तीसरा देखेंगे एग्जांपल, द प्लेयर सेड हुर्रा
वी हैव ओन द मैच, या हुर्रा का मतलब जो है खुशी जाहिर करना, वाहवाही करना, वाहवाही करना, खुशी जाहिर करना, हुर्रा शब्द आया हुआ है। तो यहाँ खुशी जाहिर करने के लिए डिलाइट का उपयोग कर सकते हैं, जॉय का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने शेड को बदलेंगे द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, हुर्रा शब्द को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। नियम है, नियम ध्यान से पढ़ना, शब्द लिखा हुआ है इसमें, विद डिलाइट के बाद यहाँ से एक्सक्लेमेटरी जो कॉमा हटाए, हुर्रा को हटा दिया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चिन्ह को हटाया, और फिर कंजक्शन दैट का उपयोग किया, और दैट का बी शब्द अब आया है, बी हैव ओन द मैच। बी देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स बहुवचन है, इसी के अनुसार बदलेगा। बहुवचन के लिए बी को अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दे, या तो दैट प्लेयर्स लिखें, लेकिन एक बार वाक्य में सेंटेंस में प्लेयर का उपयोग किया गया है इसलिए दोबारा ना लिखना पड़े, उसके लिए प्रोनाउन का उपयोग होगा। तो बहुवचन के लिए प्लूरल के लिए प्रोनाउन दे का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ दे का उपयोग किया गया है। तो यानी बी प्लेयर्स के अनुसार चेंज हुआ, प्लेयर्स प्लूरल है, तो इस प्लूरल के लिए दे का, दे प्रोनाउन का उपयोग यहाँ करेंगे। दे लिखा, प्लेयर्स थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आ गया। अब इसके बाद वाक्य देखते हैं, हैव ओन द मैच या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर हैड का उपयोग करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, हैड ओन द मैच, क्लियर। एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे, रमन सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो लिख दोगे रमन एक्सक्लेम्ड, सीधे सीधे कंजक्शन दैट का उपयोग कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रमन के अनुसार चेंज होगा, यहाँ ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा, और वेरी शब्द अपनी तरफ से यहाँ से नियम के अनुसार जोड़ेंगे, क्लेवर हो गया, कि रमन एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर। तो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा हुआ है। अब आपको एक वीडियो के माध्यम से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसा कि 10वीं के बोर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर का पूछा जाता है, उस तरह से आप लोगों को अगले वीडियो में एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसे समझाया जाएगा। 4 नंबर का ये बोर्ड में ज़रूर आता है, इसलिए सारे नियम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बताए गए हैं उसे कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।